करेंगे यमुनानगर की। कोरोना को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क और दूसरी डोज वालों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही डीसी और एसपी ने यमुनानगर के सार्वजनिक स्थलों पर विजिट कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। जिला उपायुक्त ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में फिलहाल शाम 5 बजे दुकानें बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में बिना वैक्सीन के लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। बिना वैक्सीनेशन के सरकारी दफ्तरों में कोई भी प्रवेश नहीं कर सके, इसके लिए सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं वहां पर एंट्री सिर्फ उन्हीं पर्संस की होगी जो फुली वैक्सीनेटेड है, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो, स्पोर्ट्स हो, या हमारे और जो मॉल हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं को अलाउड किया गया है। अगर वहां पर कोई वायलेशन होती है तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, और अगर जो इंस्टीट्यूट है अगर वो उसको एंटरटेन कर रहा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके अगेंस्ट 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हाँ, सरकारी कार्यालय में भी उन्हीं के एंट्री है जो फुली वैक्सीनेटेड है।